इंसानियत को ताप के रखकर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। तमंगों ने दलित अधेड़ को जमकर पीटा, जान से मारने की नियत से गला दबाकर सीने पर हुई सवार, पैरों पर गिरकर रहन की भीख मांगता रहा अधेड़, नहीं बसी जात जालिमों का दिल। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 17 मई 2021 को वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में जिले में जहां कोरोना का कहर जारी है, तो वही सुल्तानपुर के थाना धनपतगंज क्षेत्र का यहां मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां कुछ दबंगों ने दलित अधेड़ को तब तक मारा पीटा जब तक वो लहूलुहान होकर पैरों पर नहीं गिर गया। पिटते हुए अधेड़ ने कई बार दलितों से रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी एक का दिल नहीं पसीजा। दबंगों ने पूरे मामले का वीडियो भी बनवाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताते चले कि वायरल वीडियो में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दलित काशी राम कोरी की है। वो जिले धनपतगंज थाना अंतर्गत अगई ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। उसका जुर्म क्या है ये तो सही नहीं पता चल सका, लेकिन वीडियो में होती बातचीत में इतना कयास लगाया जा रहा है कि गांव की रंजित में काशी राम का ये बुरा हाल किया गया है। दबंगों ने अधेड़ को पहले दो हाथों से पीटा, फिर मर्यादा भूल गए, चप्पलों से उसे सिर चेहरा आदि जगहों पर पीटने लगे। उतने से जब दबंगों का दिल नहीं भरा तो वो उसे जमीन में घसीटते हुए खेत में ले गए और उसकी गर्दन दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आंख के पास चोट लगने के बाद वो कह रहा है कि मेरी आंख फूट गई है, लेकिन दबंगों को तरस नहीं आया। बताया जा रहा है कि मारने वालों में लल्लन गिरीश मिश्रा, अतुल मिश्रा और उसके दो अन्य साथी भी शामिल थे। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। ये थाना धनपतगंज के ग्राम अगई में काशीराम और ब्रह्मदीन दो भाई हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। इनके बीच में जमीन के हिस्से के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद हो रहा था, जिसमें पंचायत करते हुए कुछ सवर्णों ने काशीराम के साथ मारपीट की और उसकी शिकायत करने पर काशीराम के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही दो व्यक्तियों को हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना के बाद यह भी मालूम चला कि जिन लोगों ने मारपीट की थी उन्होंने एक वीडियो भी इसका बनाया हुआ था। वह वीडियो बाद में वायरल हुआ। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें ये पता चला है कि कुल 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 व्यक्ति पीड़ित को मार रहे हैं और 2 व्यक्ति वीडियो बना रहे थे। उनकी पहचान कर ली गई है। इसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है तथा पुलिस की ओर से इस वीडियो में मारपीट करने का और उसको बंधक बनाने का अलग से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना के पीछे क्या वजह सामने आई है? घटना में अभी प्रारंभिक तौर पर जो जमीनी विवाद है उसमें हिस्सेदारी को और रास्ता देने के मामले को लेकर बात आई है। अगर अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसको भी विवेचना में शामिल किया जाए।